उनका खाना दे रही हूँ। है बना रहे हैं, वो बनाएंगे रसगुल्ले पनीर। ये देखो माँ बाप बना ले, बना लिया। अंडे करीब हो गए, रखते एकदम अच्छा। खराब हो गया क्या? खूब फूले, अच्छे हैं, सॉफ्ट हैं अभी। इधर इनके खाना डाल दिया है। ये देखो पानी पीला हो रहा है, चेंज करेंगे। चरबिया अच्छा निकल 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 गई। शीशा देखना इनको। एवरीवन गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और हम लोग सब लोग उठ गए, ऐसा लग रहा मैं तो ऐसे वेलकम बैक करती हूँ कि मैं कथा पढ़ रही हूँ। अब सब लोग उठ गए हैं और डेजी डेफी को निकाल दिया बाहर, क्योंकि उन्हें विटामिन डी मिलना बहुत ज़रूरी है। त्यौहार के टाइम पे बहुत काम होता है। अभी कुछ बना भी नहीं घर में, कोई चीज़ नहीं बनी, कुछ भी ऐसे गुजिया वगैरह कुछ नहीं, खोया बना के रख लिया कल, आज देखते हैं। हेलो गाइस, अब मैं तोतो को उनका खाना दे रही हूँ। है बाय बाय, अंतिम जा रहे जिम, और मैं तोतो को डाल रही हूँ खाना। मेरे मेरे तोते, हेलो। इनका मैंने नया नाम सोचा है, अब हम आज रात को हम लाइव आएंगे ना, तब हम बताएंगे, ठीक है। हेलो, गिर मत जाइयो यार। मैं पीऊंगी अपनी चाय और ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, आप लोग भी खाया करिए। हेलो, आधा किलो ले आना, ठीक है। पनीर मंगा रहे हैं, वो बनाएंगे रसगुल्ले पनीर में मावा मिला के। अच्छा, और चाशनी बनने रख रहे हैं, कहाँ है? चाशनी बनने रख रहे हैं। अच्छा, इसमें डाले पानी। चाशनी क्या होता है ये? चाशनी में ही तो डूबते हैं रसगुल्ले। अच्छा। मीठे कैसे होंगे ये? चाशनी बोलते हैं उसको, और क्या बोलते हैं? गाइस आप लोगों को पता है चाशनी क्या होता है? ले हाँ। पनीर रखा हुआ था। अच्छा, ये क्या है? ये तो गन्ने का जूस है। तो फ्रिज मत रखो, ठंडा ज्यादा हो जाएगा, ऐसे पी लो ताजा। आ गया पनीर, और इधर मैं सब्जी बना के रख ली, आटा भी गूंद कर रख लिया। काम कर लें फटाफट, नहा लें, उसके बाद बनाऊंगी रसगुल्ले अच्छे से। ये देखो माँ बाप बना लें, बना लिया रात ही, लेकिन कुछ ढीला लग रहा है, गीला सा हो रहा है ज्यादा पतला। इसको टाइट कर लूँ थोड़ा सा, टपकती है, थोड़ा थोड़ा पानी चलता ही रहता है इसमें। सही करानी है अभी, जी भैया सही करने आए, टंकी खराब हो गई थी, अब सही आ रहा है। तो भैया दिखाइए ना, चला हाँ अब सही आ रहा है। चलो वो तो मैं लगा दूंगी ना, दूसरी आएगी भैया क्या? कितने को है जी? पूछिए, आयो इधर आओ बाहर निकल के। किस किस ने होली खेली तुम्हारे साथ? तुमने भी खेली? ओहो, पता नहीं कौन कौन सा कलर लगा इसके मुंह पे। अब सही हो गई, पानी टपकता रहता था पहले, फैलता ही रहता था, अब देखो बंद हो गया। टंकी भी सही हो गई, सारा काम हो गया, खाना भी बन गया, अब रह गए नहाने को। नहाने के बाद फिर करते हैं काम। सिर्फ पे चिल्ला रही है, बहुत तेज चिल्लाती हो। उसके बाद बनाएंगे रसगुल्ले, देखती हूँ। और धूप इतनी तेज पड़ रही है दोस्तों, तो बहुत तेज धूप पड़ रही है अभी से, इतनी तेज धूप है, फिर मई जून में क्या हाल होगा समझ में नहीं आ रहा। नहा लिया है, अब बना लें रसगुल्ले का सामान तैयार कर लें। ये देखो पनीर और मैदा और सूजी, सारा सामान मिक्स कर लेंगे। इसको पहले तो मैश कर लूँ अच्छे से, हाथ से मैश कर लें, बस हथेली से मैश कर लो तो और अच्छे से हो जाएगा, बाद में करेंगे, पहले इससे कर लें गिलास से। तब भी अभी वैसी है थोड़ी सी, अच्छे से नहीं हुआ। मावा और थोड़ी सी मैदा, थोड़ी सी सूजी जरा सी, और सोडा, बेकिंग सोडा, कुटी हुई इलायची, और थोड़ा सा डालेंगे इसमें घी, देसी घी। हेलो जानवी, हाँ कैसी हो? नमस्ते, रिया दीदी तो गई कोचिंग। अच्छा। और तुमने आप कॉल करी उस दिन से, कितने दिन हो गए? अनबी की कॉल, आज आज याद आई, आज याद आई, रो रही, गूंद गया आटा। ये देखो कितना बढ़िया हो गया, अब शाम को सेकेंगे रसगुल्ले।
करेंगे थोड़ी देर आराम, थक गए हैं, पूरा दिन हो गया, 3 बज गए। मैंने अभी ट्रिवल क्यों आते हैं पता नहीं, काम बढ़ाने के लिए। लेडीज का काम बढ़ता है और कुछ नहीं, लेडीज परेशान रहती हैं, खाने वाले खाते रहते हैं बस। काम कर लिया थोड़ी देर, शाम का एकदम मौसम वैसा होने लगा, एकदम आलस भरा। मिर्ची उठा ले, 4 किलो मिर्च। कलर बनाए अभी तक रखे हैं बताओ, मैंने किसी को करके रखा, अभी पीसने भी है। कहाँ गया लाइटर, बढ़िया हो गया, 2 घंटे करीब हो गए रखे रखते, एकदम अच्छा हो गया। हेलो गाइस, मैं बहुत लेट आया हूँ ब्लॉग में आज, क्योंकि मैं बिजी था, पता नहीं कहाँ बिजी था, पर पता नहीं है। शाम का वक्त हो गया है, मौसम एज ऑलवेज अच्छा है, देख रहे हो क्या व्यू है, गजब भाई। ये देखो बसूली घूम रहा है, चिंगारी घूम रहा है, चिंगारी आ जा बेटा, सर्किट भाई। ये देख, अगर सर्किट को बुलाता हूँ तो चिंगारी से भौंकने लगता है। बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं, थोड़ी देर में हो सकता है मैं भी बैडमिंटन खेलने जाऊँ, मुझे बच्चे देख रहे हैं, हंस के देख रहे हैं कि भाई भैया ब्लॉगिंग कर रहे हैं। कौन जीत रहा भाई, चल नहीं रहा है, खराब हो गया क्या, हनी का रैकेट खराब हो गया, हनी का रैकेट खराब हो गया है, इस वजह से बैडमिंटन अभी चल नहीं रहा है, जस्ट वार्म अप ही कर रहे हैं वो लोग, मम्मी रसगुल्ले बना रही हैं। बीच में रखने के लिए रेवड़ी लानी चाहिए थी। ठीक है यार, ये समय में चल जाएगा, सुन तो जाएगा, पर गांठ नहीं पड़ती उस रेवड़ी से, बीच में रख दो ना सही रहता है। मैंने हलवाई को देखा तो रख, चीनी डाल देना उसमें बीच में थोड़ी सी। बात और ये बताओ, हमारे लाइव में कौन कौन आता है, हम लोग अब डेली लाइव आने लगे हैं, शाम को 7 बजे, 7:30 से 7:30 के बीच में डेली लाइव आते हैं हम लोग, तो कौन कौन लाइव अटेंड कर रहा है, ब्लॉग देखो और बताना, कमेंट करके बताना कि आप लोग लाइव अटेंड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। नहीं कर रहे हो तो भाई साहब 7:30 बजे या 7 से 7:30 के बीच में हम लाइव आते हैं, तो स्टे कनेक्टेड एंड मिलो हमसे लाइव में, बातें करेंगे, जानो हमसे कुछ पूछो, हम तुमसे कुछ पूछेंगे, ऑडियंस को जानने का मौका मिलेगा, हमें उनको जानने का मौका मिलेगा, प्लस उनको भी हमें जानने का मौका मिलेगा। तो प्लीज़ अटेंड अवर लाइव सेशन, मज़ा आएगा, बहुत सारी बातें होती हैं, देखना बहुत सारी लाइव सेशन मैंने डाल रखे हैं, बुला लें वो वीडियो बनाने की। तो वीडियो कैसे बनाओगी, वीडियो अब घंटे बनानी, वो वाली वो तो रोड पे ही बनेगी, दूसरी बन गए हमारे रसगुल्ले, अब खा के देखेंगे, तब अभी तो नहीं खाएंगे, क्योंकि जब बनाती हूँ ना तब नहीं मन करता है खाने का, क्यों बनाते बनाते खुशबू भर जाती है नाक में, फिर मन नहीं करता कुछ भी, त्योहार पे तो मैं कुछ खाती नहीं हूँ क्योंकि बना के ही पेट भर जाता है। चलो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, मैं देखो ये कुछ काले हो गए ज़्यादा सिक गए हैं, ये कुछ कम सेके हैं, खूब फूले अच्छे हैं, सॉफ्ट हैं अभी मेरे रसगुल्ले बन गए। आप मुझे लाइव आना, 7:30 बज गए, आप लोग कनेक्ट हो जाना 7:30 बजे नेट, आज थोड़ा सा टाइम हो गया, पर ये व्लॉग तो लेट जाएगा ना, कोई बात नहीं, जब जाए तभी से जुड़ जाना, और मैं अभी लाइव आ रही हूँ देखना। अब भी आ चुके हैं, 8 बज गए, अब मैं बनाऊंगी खाना, क्योंकि वो ड्यूटी से आ रहे होंगे और बच्चे भी, इधर जानवी से बात हो रही है रिया की, क्योंकि वो उसने दोपहर में भी वीडियो कॉल की, अब रिया आई है, अब रिया से बात हो रही है, क्योंकि बहुत काम है सच में, इतना काम है, वीडियो भी बनाना, इधर ब्लॉग भी बनाना, इधर त्योहार है उसकी भी तैयारी करना, बताओ मतलब समझ नहीं आ रहा, इतना काम है, बस बिजी हो गई लाइफ, ज़्यादा ही कुछ बिजी हो गई। चलो ब्लॉग देख लिया करो आप लोग, जरूर देखो, बहुत मेहनत लगती है एक ब्लॉग बनाने में, इतनी मेहनत लगती है कि आप समझ नहीं सकते इस चीज़ को, जो बनाता है ना वही समझ सकता है, और व्यूज कमा रहे हैं, आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो, ब्लॉग भी नहीं देखते हो, प्लीज़ ब्लॉग देख लिया करो, और ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।